तो आज की वीडियो में हम सफर करने जा रहे हैं फ्रॉम पाकिस्तान टू अमेरिका टू प्रैंक माय अम्मी। गिव मी मनी। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। हेलो हेलो हेलो, व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? इस वक्त मैं हूँ एयरपोर्ट के अंदर। आप लोग सोच रहे होंगे हमसे तुम एयरपोर्ट में क्या कर रहे हो, और बात यह है कि आपने टाइटल भी पढ़ लिया होगा तो आपको पता है कि इस वक्त मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ अपने घर, आपके घर, सबका घर, अमेरिका। मेरा पूरा दिल था कि ये व्लॉग मैं घर पर शुरू करता, आराम सुकून से, आराम से हम बैठते, चाय शाय पीते, आराम से व्लॉग शुरू करते। लेकिन उस वक्त इतना रश था और मैं 3 घंटे लेट था जितना मैंने सोचा था, और मैं मर मर के यहाँ पहुँचा हूँ। लेकिन जब मैं यहाँ पहुँचा तो काम बहुत जल्दी हो गया है और अब मेरे पास टाइम है। और वो कहते हैं ना, less depresso, more espresso. Let me give you guys a taste test. Good stuff. इस वक्त काफ़ी लोग मुझे देख रहे हैं इधर उधर से, और मुझे काफ़ी अजीब लग रहा है क्योंकि काफ़ी अर्से बाद में व्लॉग कर रहा हूँ पब्लिक में। लेकिन hashtag do it for the vlog. By the way, आप लोगों ने ये देखे, आज सुबह मैं उठा था, मुझे पता नहीं कितने अर्से से कोई ऐसा मसला नहीं था। आज सुबह मैं उठा हूँ फ्लाइट के लिए, जाने के लिए अपने घर वालों से, अपने फैमिली से मिलने के लिए। अमेरिका जाना था मैंने, उनसे मिलने, इतने अर्से बाद, 2 सालों के बाद, और आज सुबह मैं उठा हूँ तो ये सारा निकला है। खैर, फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस रेस हमने जाना है इस्लामाबाद से दुबई। तो अभी हम एयरपोर्ट के टर्मिनल में वेट कर रहे हैं, तकरीबन आधे घंटे तक बोर्डिंग होगी, फिर सबसे पहले हमने जाना है दुबई। सफर टोटल बहुत लंबा है, तकरीबन 24 घंटे मैं एयरपोर्ट में ही होऊंगा। एक फ्लाइट जो है वो 3 घंटे की है, एक 8 घंटे की है, एक 7 घंटे की है, और बीच में मेरे 2-3 घंटों की ना हर जगह पे स्टे। लेट्स गेट दिस जर्नी स्टार्टेड। टाइम टू फ्लाई। वेलकम टू दुबई। सीन ये कि अभी मैं एयरपोर्ट तो पहुंच गया हूँ, यहाँ पे हमारे पास है 6 घंटे। 6 घंटे मुझे समझ भी नहीं आ रही कि मैं करूँगा क्या यहाँ। और अभी मैं गया था कि मैं कोई खाना शाना लूँगा थोड़ा सा, यू नो, हल्का फुल्का बंदा खाना शाना तो घटता है। मैं जब खाना लेने गया तो उन्होंने कहा कि अपना बोर्डिंग पास दिखाएं। बोर्डिंग पास तो आपको फ्लाइट से 2 घंटे पहले मिलती है। 4 घंटे तक मैं कुछ भी नहीं खा सका, मैं इस वक्त भूख से मर रहा हूँ। लेकिन एक बहुत मशहूर कहावत है 2019 में, एक बहुत ही लायक, तेज, अच्छा इंसान, उसने कहा कि सफर सफर ही होता है। वो सफर सफर कैसा जिसमें सफर ना हो। इस तरह कसम से कोई वक्त नहीं गुजरेगा और इस तरह मैं रह भी नहीं सकता, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जाके चेक करते हैं कि क्या सीन है। तो इस वक्त बहुत ढूंढने के बाद, बहुत इधर उधर देखने के बाद मुझे ये पता चला है कि जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे वो वाले रेस्टोरेंट्स हैं जो हम आजकल नहीं खा रहे, पिछले कुछ महीनों से छोड़े हुए हैं। लेकिन एक चीज़ जो हमें मिली है वो है डोनट। इस वक्त मुझे इतनी भूख लगी है मैं कुछ भी खा जाऊँगा, लेकिन लेट्स गिव इट अ टेस्ट टेस्ट। अच्छा, आई टेक बैक माई स्टेटमेंट, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, उनको बताना मत। अच्छा, तो अभी मैं चल रहा था और मुझे अचानक से ये नज़र आ गया, मेरे पास अभी कुछ चेंज है यहाँ का, ठीक है, तो अभी हम इसको इस्तेमाल करेंगे और यहाँ से कुछ निकालते हैं। और ये मेरे पास 5 दिरहम भी हैं। अब हम देख रहे हैं इसमें से क्या, मेरे पास टोटल 7 दिरहम है, तो सिर्फ 7 दिरहम की कोई चीज़ ले सकते हैं, ये ले लेते हैं। क्या बात है। अच्छा, अब हमें जाना है अगली फ्लाइट पे, तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट फ्लाइट। ये है फ्लाइट नंबर 2। बाथरूम चेक। ये वाला बाथरूम बहुत ज्यादा अच्छा है, साफ सुथरा है बिल्कुल, और स्पेस भी बहुत बड़ा है। और इस फ्लाइट पे बैठ के मैं खाना एंजॉय कर ही रहा था जब मैंने देखा कि मेरे साथ वाले सीट पे बैठी हुई थी माय नेम इज खान वाली मामा जेनी, और मामा जेनी के साथ उसका बेटा भी था। मैं जब भी सोने की कोशिश कर रहा था तो उसके पाँव मुझे लगे जा रहे थे। खैर, मैंने उनको कुछ भी नहीं कहा। थोड़ी देर बाद हम पहुंच गए एम्स्टरडम। इस वक्त सुबह के 6 बज रहे हैं यहाँ पे। मैं आज तक जिंदगी में कभी एम्स्टरडम नहीं आया, और अभी भी टेक्निकली मैं आया नहीं क्योंकि मैं एयरपोर्ट के अंदर ही हूँ। अभी हमने अपनी कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़नी है, लेट्स गो देयर। अच्छा जी, तो अब आखिरी फ्लाइट का वक्त आ गया। मैं पिछले 16 घंटों से सफ़र में हूँ, एयरपोर्ट्स में हूँ, और मुझे बड़ी खुशी है कि आखिरी फ्लाइट का वक्त हो गया है, बैठने लगे हैं। अब आखिरी जो सफ़र है ये हम जाएंगे यूरोप से सीधा अमेरिका, मतलब कि अभी हमारी 8 घंटे की फ्लाइट है। लेट्स सी हाउ इट गोस। एक बात करनी थी,
जिंदगी में बहुत ऊंचाइयाँ होती हैं, बहुत गहराइयाँ होती हैं, लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं चले जाते हैं, लेकिन एक चीज़ जो परमानेंट है ना, वो मेरे ब्लॉग में एयरप्लेन में ही काम है। इस वक्त मेरी शक्ल से पता चल रहा है या नहीं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। हम फाइनली आखिरकार पहुँच गए अमेरिका। मेरा एक लगेज आ गया है, दूसरा लगेज आ रहा है, अभी तक आया नहीं है। जस्ट वेटिंग ऑन द लास्ट वन। देन गिव यू मनी। तो आप में से जितने भी पुराने हैं, आप सब इस दरवाजे को तो जानते होंगे, क्योंकि अभी मैं अपने नाना नानी के घर के बाहर आ चुका हूँ। अभी मैं अंदर जाके मिलूंगा उनसे, उनसे सलाम करूंगा। Let's end the video here. Thank you so much for watching everyone. I hope आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो don't forget to give this video a thumbs up, subscribe the channel, hit that post notification bell, and I'll see you in the next video. क्योंकि बहुत बड़ा मसला हो गया है, मेरा एक ही सामान आया है। मेरे दो लगेज थे, मेरा एक ही लगेज आया है, एक लगेज मेरा रह गया है एम्स्टर्डम में, दूसरे मुल्क में। इधर ही से अगला ब्लॉग शुरू होगा और हम चेक करेंगे कि अब क्या करना है हमने। अल्लाह हाफिज़।